हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बत्रा। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी और मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली। तो ये है सेकंड पार्ट ऑन हाउ टू डिजाइन अ स्टीरॉइड साइकिल। इस वीडियो में हम बेसिकली कटिंग कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। और अगेन आई एम वार्निंग यू, दिस इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस। बिना अपनी डॉक्टर के क्लियरेंस के कोई भी रेजिमेंट नहीं स्टार्ट कर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कंपाउंड होते हैं, उनकी क्या क्या डोजेज होती हैं, किस कॉम्बिनेशन में यूजुअली चीजें चलती हैं और उनके पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या होते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जाए। तो अब बेसिकली कटिंग साइकिल का ये मतलब नहीं है कि जितनी आपने मसल और फैट दोनों इकट्ठा किया है वो आप सारा गिरा दें एक साथ। कटिंग साइकिल का एम ये होता है कि लीन मसल को प्रिजर्व करना है और जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में वो हट जाए। फैट, वाटर रिटेंशन, जितनी भी चीजें यूजुअली गेनिंग या बल्किंग के टाइम पे होती हैं या लोगों के साथ वैसे भी इश्यूज रहते हैं, उनके लिए कटिंग साइकिल डिजाइन करी जाती है। तो पहला हमारा कंपाउंड है विंस्टॉल या स्टैनोसोरॉल। ये एक बहुत कॉमन कटिंग कंपाउंड है। आदमियों के लिए जो डोजेज होती है यूजुअली 25 से 50 mg तक जाती है और फीमेल्स के लिए 5 से 10 mg। दिक्कतें क्या क्या आ सकती है विंस्टॉल के साथ? विंस्टॉल नोन है लिवर टॉक्सिसिटी क्रिएट करने के लिए, लिवर पे बहुत खराब असर होता है। ओरल स्टीरॉयड है, ओरल में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिवर के लिए ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इंजेक्टेबल्स आर सेफर कंपेयर टू ओरल्स इन दैट रिगार्ड। कई लोगों को जॉइंट पेन की दिक्कत भी देखी गई है विंस्टॉल के साथ, एंड लाइक एवरी अदर एनाबॉलिक ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डिरेंज करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देता है। तो इसके कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं लंबे समय के यूज के बाद। अगले नंबर पे कटिंग कंपाउंड आता है एनावर, इट्स अ प्रॉपर नाउन, अप टू यू। ऑक्सैंड्रोलोन इसका साइंटिफिक नेम है। 20 से 30 mg की डोज जो है मेल्स के लिए दी जाती है, 5 से 10 mg पर डे की डोज जो है फीमेल के लिए रखी जाती है। बहुत ज्यादा नोन है ये कंपाउंड क्योंकि ये एक तरीके से साइड इफेक्ट्स के मामले में थोड़ा माइल्ड माना जाता है। हाई डोजेस में इससे लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है और हाइपोथैलेमोपिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस यानी टेस्टोस्टेरोन का माइल्ड सप्रेशन देखा गया है। अगले नंबर पे है हमारा सुपरस्टार क्लेन। अब बहुत लोगों क्लेनबुटरॉल में लगता है कि ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड नहीं है, असल में ये अस्थमा की दवा थी। आपने सुना होगा एस्थिलीन होती है, उसी तरह सिमिलरली एक ब्रोंकोडायलेटर है जिसका नाम होता है क्लेन। अब ये है कि उसका साइड इफेक्ट होता है कि फैट बर्निंग हो जाती है। 20 माइक्रोग्राम से लेके 60 इवन 70-80 माइक्रोग्राम पर डे तक की डोजेज मैंने देखी है लोग क्लेन की लेते हैं, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस कंपाउंड क्योंकि इसके कार्डियक साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। स्पेसिफिकली हमारा एक जो इतना गर्म देश है, समर के टाइम में जो भी क्लेन लेने की सोच रहा है दैट इज अटर स्टूपिडिटी। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज थिंक अगेन। गर्मी इज नॉट अ टाइम फॉर क्लेन, एंड इफ यू हैव एनी एंग्जाइटी इशूज या कोई भी साइकाइट्रिक इशू है तो क्लेन आपके लिए नहीं है। कोई कार्डियक इशू है तो क्लेन आपके लिए नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू है तो क्लेन आपके लिए नहीं है। एस्थमा है, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो क्लेन आपके लिए नहीं है। अगले नंबर पे आता है ट्रेन। ट्रेन बलून के बहुत फॉर्म यूज होते हैं लेकिन सबसे कॉमन जो यूज होता है दैट इज नोन एज ट्रेन बलून एसिटेट। ट्रेन एसिटेट जो है बहुत हार्श एक स्टीरॉयड है। रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही सिग्निफिकेंट है। तो बहुत सेफ्टी प्रोफाइल ट्रेन की अच्छी नहीं है। 50 से 100 mg एवरी अदर डे की डोजेस तक लिया जाता है ट्रेन, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट लिवर टॉक्सिसिटी, नाइट स्वेट्स, अग्रेशन, ट्रेमर्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें देखी गई हैं। और ट्रेन कॉफ जो होता है एक इररिट्रैक्टेबल कॉफ होता है जो कई लोगों को ट्रेन से एक तरह की नर्व स्टिमुलेशन की वजह से बहुत जोर से खांसी आती है और वो इनट्रैक्टेबल होती है, रुकती नहीं है, आदमी को सांस आनी मुश्किल हो जाती है। तो जिनको ट्रेन कॉफ है उनके लिए तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ट्रेन। अगर कोई भी इस तरह के कंपाउंड लेता है तो रेगुलर ब्लड टेस्टिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, RBS यानी शुगर मॉनिटरिंग, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं ड्यूरिंग साइकिल। और पर्टिकुलर चीजें जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसको तुरंत कंट्रोल में करना जरूरी होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें परमानेंट कार्डियक इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने स्टडी रख रहा हूँ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म से। इसमें देखा गया है कि एनावर ने सिग्निफिकेंटली मसल मास को बढ़ाया और स्ट्रेंथ को बढ़ाया आदमियों में। और एक और स्टडी है मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, जिन्होंने थोड़े कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हाईलाइट करे हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो क्लेनबुटरॉल के यूज के साथ इतनी सारी दिक्कतें एसोसिएटेड हैं। तो अगर मैं एक बहुत छोटा समरी देना चाहूँ इस पूरी वीडियो का, इस प्रेजेंटेशन का, तो यही होगा कि बहुत सारी कंसिडरेशन होती हैं कोई भी कंपाउंड चलाने से पहले। ऐसा नहीं करना कि गुरुजी ने बोल दिया तो हम ले लेते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर हेल्थ केयर
सेटअप के साथ ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। आपको अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखना है, बाद में ये सारी चीजें आती हैं। और एक चीज और बता दूं, खाली ड्रग्स एंड PEDs आर नॉट द सोल्यूशन। इसके साथ आपको डाइट और एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली कटिंग में, इट नीड्स टू बी ऑन पॉइंट सर। डाइट हैज टू बी ऑन पॉइंट, एक्सरसाइज हैज टू बी ऑन पॉइंट, देन ओनली आप जो इतना एक्सोजिनसली सामान ले रहे हैं उसका आप मैक्सिमम रिजल्ट अटेन कर पाएंगे। आई होप मैंने आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस आंसर कर दिए हूँ। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए। अगर चैनल पे नए हैं प्लीज शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।